we are getting laborers, especially from the eastern part of India, that is from Odisha, Assam, Bihar, Bengal. You get and therefore probably you succeeded in spending as much money. It cannot be a BDO's program. 100 days is only 0.6% on an average. This is available to this secretary. NRLM और MNRGS जो livelihood और poverty alleviation programs है उनके full fledged और बहुत ही अच्छी तरीके से implementation करने का हमारा प्रयास है और ये जब हम करते हैं हमारे इलाकों में backward इलाके लोग ignorant है ये जो rules regulations के बारे में अभी तक भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं वहाँ बहुत सारे deviations भी होता है लेकिन हम एज अ डीपीसी और एनआरजीएस के और बाकी पावर ट्यूलेशन स्कीम के मुख्य सूत्रधार के हिसाब से वो फॉल्ट को फाइंड आउट करना और नेसेसरी एक्शन लेने का भी काम करते हैं उसको हम कभी डिनाई नहीं करते हैं तो अभी हम ये स्टेज में है कि लोगों को मोबिलाइज करना एम्पावर करना अगर हम भले भाव अगर कर पाए तो डेफिनेटली स्कीम को हम सक्सेसफुल कर सकते हैं और अन्य स्टेट्स में जैसे हुआ है सक्सेस वो हम यहाँ पर भी रिपीट कर सकते हैं Saying that this was pointed out earlier and still nothing happened, I guess the government has beneficiaries.